बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ कंट्रोल रूम के सामने। कोरोना का जो बना है, डॉक्टर सैमा यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, अगर उनके अंदर सिम्टम्स हैं, उनकी टेस्ट किए जा रहे हैं, आगा खान भिजवाए जा रहे हैं, किसी किस्म का कोई रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा जो भी प्राइवेट अस्पतालों में जाके 8,000-10,000 रुपये टेस्ट किए और फिर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं बिला वजह में, जब सरकारी अस्पताल में फ्री में सहूलियात मौजूद हो, तो यहाँ से फ़ायदा लें। और इसके बाद जब अगर कोई खुदा न खासा सिम्टम्स नज़र भी आ रहे हैं किसी पेशेंट को, इनका आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ लेकर जा रहे हैं। इलाज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है सिविल में। मैंने पूरा जायज़ा ले लिया, हर चीज़ देख ली है। और बराए मेहरबानी, ये जो लोग हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में, और प्राइवेट अस्पतालों को भी शर्म करनी चाहिए कि इस मुसीबत में भी लोगों से पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, अब मैं कंट्रोल रूम के बाद सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड गया, जो कि सर्जिकल वार्ड नंबर 4 जो जचकी का वार्ड है उसके बराबर में था। तो मैंने वहाँ जाके जो बाहर गार्ड बैठे थे उनसे बोला कि मुझे ये जगह अंदर से देखनी है, तो उन्होंने अंदर जाने दिया। फिर मैं डॉक्टर से मिला वहाँ पर। जब मैं अंदर घुसा तो उल्टे हाथ पे जो पहला रूम था उसके अंदर सीढ़ियाँ पड़ी हुई थी और रंग और रोगन का काम हो रहा था, रंग खुर्चा जा रहा था, मतलब पुराना रंग उतारा जा रहा था, नए रंग की तैयारी थी। मैं डॉक्टर से मिला तो मैंने कहा भाई, हंगामी तौर पर आपके अस्पताल का नाम है, सिविल अस्पताल का नाम चल रहा है, जहाँ पर बिल्कुल मुफ्त कोरोना की टेस्टिंग और इलाज विलाज सब कुछ है, तो आप मुझे रूम दिखा दें, मैं देख तो लूँ ताकि लोगों को बता दूँ कि भाई यहाँ आए, लोगों का फ़ायदा होगा, जो लाखों रुपये हज़ारों रुपये प्राइवेट अस्पताल ले रहे हैं उनसे बचें। तो उन्होंने मुझसे कहा आप हम पे यकीन कीजिए, हमारे पास 14 बेड हैं और आगे हमारी तैयारी है और हम मजीद इंतजाम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर की बात पर भरोसा किया जाए तो ये एक अच्छा साइन है कि कम से कम लोगों के हज़ारों और लाखों रुपये जो ज़ाया हो रहे हैं वो बच जाएंगे अगर वो सिविल अस्पताल पहुँचें, अगर खुदा न खास्ता किसी में कोई ऐसा सिम्टम नज़र आ रहा है कोरोना का। तो